हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल राहुल लक्ष्मण व्लॉग्स। तो आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत खास, बहुत मस्त, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ ऑटो एक्सपो, और ऑटो एक्सपो जो लगा हुआ है अभी ग्रेटर नोएडा में, तो वहीं पहुँचने वाले हैं, लेकिन हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं क्योंकि 2:48 का टाइम हो चुका है और अभी मेरे यहाँ से जो है 30 किलोमीटर दूर है, यानी मैं 4 बजे तक पहुँचूंगा और देखते हैं किस टाइम तक वो क्लोज वगैरह होता है। और इस बार बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत सारी नई कार्स वगैरह जो है लॉन्च हुई हैं और काफ़ी अदर कंट्रीज़ की कार भी जो है इंडिया में लॉन्च हुई हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इस बार। तो बने रहिएगा पूरे व्लॉग में एंड तक और बहुत मज़ेदार होने वाला है ये व्लॉग। और देखते हैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको वहाँ पर चीज़ें दिखा सकता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तो ज़रूर दिखाऊँगा। You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. गाइस देख लो अपनी वीआईपी एंट्री चल रही है अभी इस टाइम, ये पास रख लीजिए। ठीक है, सो मच रिस्पेक्ट। तो गाइस देखो अभी हम वीआईपी एंट्री लेने हैं, मैं दिखा इसलिए नहीं सकता था क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको इस तरह से ओपन नहीं दिखा सकते। तो जी गाइस फाइनली पहुंच गए ऑटो एक्सपो में, अब सीधे अंदर एंट्री मारते हैं। Are you a big girl? 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 Are
तो अभी होंडा से बाहर आ गए और ये थोड़ा खाने के फूड्स वगैरह यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो जिस किसी को भी कुछ खाना वाना हो तो वो यहाँ पे भी खा सकता है। अब आ गए हम BYD के शोरूम में, मतलब स्टॉल पे। तो ये अभी नहीं, फिलहाल नया लॉन्च हुआ है मेरे ख्याल से, और इसकी सारी इलेक्ट्रिक कार्स आती है, काफ़ी अच्छी है, फीचर रिच है, देखते रहिए आप। तो ये BYD का अपना इलेक्ट्रिक चार्जर है और ये चार्ज हो रही है, या एटो 3 है BYD की जो कि यहाँ पे चार्ज हो रही है। तो गाइस ये MG की क्लोस्टर, और भाई क्या लग रही है रियल में, मुझे फॉर्चुनर से भी ज़्यादा अच्छी लगती है, और फीचर्स इसके अंदर दुनिया भर के फीचर्स हैं। आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और रोड प्रेजेंस इसकी इतनी गजब है यार, जब रोड पे चलती है बेस्ट कार। This is a commercial. We arrived in Australia by 2019 and we
जो है अभी एम जी एक्टर का नेक्स्ट जनरेशन मॉडल आया है और उसकी ग्रिल लुक, भाई ग्रिल लुक कितनी मैसिव ग्रिल लुक है इसकी। तो गाइस ये अब टाटा की ईवी रेंज, ये टाटा का छोटा हाथी और देखने में कितना प्यारा और कितना ही क्यूट लग रहा है, कूल लग रहा है। तो इसी तरह से टाटा की जो है काफ़ी सारी रेंजेज हैं जो कि सभी ईवी में है, मतलब इलेक्ट्रिक में है सारी की सारी, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। तो अभी चलते हैं अभी दूसरे प्रोडक्ट की तरफ टाटा के, जो है टाटा की ईवी बस, और ये भी देखने में काफ़ी कूल और काफ़ी अच्छी लग रही है। तो इसका कुछ मैं आपको थोड़ा सा अभी अंदर से भी दिखा देता हूँ किस टाइप की हो गई इसकी लुक वगैरह अंदर से। तो ये देखिए अभी हम चल दिए हैं अक्षरधाम टू नोएडा वाली बस में, और ये कुछ अंदर से इसका इस टाइप से इंटीरियर है और ये सीटिंग है इसकी इस तरह से आप देख सकते हैं पीछे से आगे तक, और इसमें चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह सारी फैसिलिटीज वगैरह आपको मिल जाएंगी। और ये कुछ ट्रक टम्पर्स वगैरह हो गए हैं, और ये दूसरा छोटा हाथी से बड़ा हाथी मतलब इंट्रा, ये भी टाटा का है। और ये आ गई टाटा की कर्व जो कि देखने में इतनी उत्सम और देखते मतलब दिल खुश हो गया था, और उसके आगे से जो लाइटिंग वगैरह है मतलब इतनी प्यारी लगती है, सोचो इमेजिन करो अगर ये रात में अगर रोड। और ये मारुति की न्यू लॉन्च है, इसका 50-60 साल से लोग इंतज़ार कर रहे थे, मारुति की जिम्नी जो कि सामने आपके हैं और काफ़ी अच्छी लग रही है, और फाइव डोर वाली है, देखने में काफ़ी कूल लग रही है। इसका एक थोड़ा सा इंटीरियर वगैरह का मैं भी आपको थोड़ी देर में एक वीडियो जो है बना के दिखा दूंगा, अभी शो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए उसके बाद आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगा इसकी। और ये मारुति ने एक नई गाड़ी लॉन्च की है नेक्स रेंज में, प्रो नेक्स करके, तो ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। तो ये कुछ इसकी फ्रंट प्रोफाइल है इस तरह से देख सकते हैं, प्रो नेक्स नाम रखा है। इसमें दो वेरियंट आ रहे हैं अभी, एक डुअल टोन में और एक जी वाला। देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है और मोटी कलर भी काफ़ी अच्छा है, और सबसे बड़ी बात जो है कि मेरे आज 10 लाख के करीब की रेंज है और ये फोन और है, तो प्राइस जो है काफ़ी अच्छे लगते हैं और बर्थ इट है लेना तो बहुत बढ़िया लग रही है।
भी इनोवा का कर सकते हैं, फिफ्टी ढाई करोड़ का लाया है, ये भी काफ़ी अच्छा है देखने में। और पहले वाली इनोवा जो है उससे तो काफ़ी बेटर है, मतलब तो प्रीमियम भी लग रहा है देखने में काफ़ी ज़्यादा। और अभी थोड़ी देर में हम आपको जादू दिखाने वाले हैं, देखो कितनी प्यारी है। और ये आधी कटी गाड़ी लगा रखी है भाई इनोवा का, आधी कटी गाड़ी लगा रखी है जो के पार्ट आधी कटी गाड़ी है उनका, मतलब दिखाने का इस तरह से तो करेगा। और अब आ जाते हैं, ये भी टोयोटा की मिराई है जो कि अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है। और अब आ जाते हैं एलजी की तरफ जो कि मेरी सबसे फेवरेट कार है यार। इस कार के आगे सारी कार फेल है, सब बच्चे लगते हैं इसके आगे अगर किसी को खड़ा कर दिया जाए। जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है, जो इसकी परफॉर्मेंस है भाई साहब, सामने से ग्रिल देख रहे हो उसकी, ग्रिल कितनी मैसिव है, मतलब फ्रंट लुक इसका इतना मैसिव है अगर रोड पे चलती है ना तो पलट पलट के लोग देखते हैं कि इतनी प्यारी गाड़ी है। और उतनी ही प्यारी इसके प्राइजेस भी हैं। स्पेस भी इसका कितना सॉलिड है, पूरी डेप्थ है देखो इसमें कितना, मतलब काफ़ी सारे लगेज आ जाएगा इसके अंदर आपको। अब आ जाते हैं टोयोटा के हाइलक्स की तरफ, तो ये है टोयोटा का हाइलक्स, ये भी काफ़ी मजबूत गाड़ी है बट देखने में, मतलब ये ऑफ रोडिंग गाड़ी है तो मतलब ऐसे नॉर्मली आप नहीं चला सकते इसे डेली यूज़ के लिए, थोड़ी अजीब सी हो जाती है। तो जी गाइस, हो गया आपको सारी गाड़ियाँ जितनी भी हो सकती थी वो सारा दिखा चुका हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत लेट आया था, दो ढाई बजे घर से निकला था और पाँच बजे मैंने एंट्री ली थी और अब बज गए 7, तो 7 बजे भी क्लोज होने का टाइमिंग हो जाती है और मैं भी लेट हो जाऊँगा घर जाने के लिए, तो इसलिए अब घर के लिए चले जाते हैं। और इस वीडियो को ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, जिस किसी को भी ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और भाई तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, इतनी दूर तक आए हैं और आप लोगों के लिए आए हैं, तो अपना प्यार बनाए रखिएगा। बाय बाय, जय हिंद। डांस करके दिखाओ बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तारु जावा गटक माकी बगी केड़।